शहर हैदराबाद के इलाके मादानापेट मिलाद रोड पर हरमैन होटल के करीब अल्लाह के घर यानी मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। नई तामीर करदा मस्जिद सालेह हफीज का इमाम सरबरा और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी, सीनियर मजलिस कारकुन सादिक सिराज, कुरमागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर सैयद खुसरू, संतोष नगर कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, छावनी कारपोरेटर मोहम्मद मुर्तजा अली, ईति बाजार कारपोरेटर वाजिद अली और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने नई तामीर करदा मस्जिद में हाफिज वक़ारी अब्दुल अली सिद्दीकी की इमामत में नमाज अदा की। बाद नमाज इमाम मस्जिद ने रिक्कत अंगेज दुआएँ भी की। बाद नमाज रवानगी के वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने मौके पर मौजूद लोगों से मुसाफा करते हुए तमाम का खास तौर से बुजुर्गों से उनकी मिजाज पुरसी भी की। बाद एमआईएम एमएलए अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए नई तामीर करदा मस्जिद सालेह हफीज की इफ्तिताही तकरीब से मुतालिक बयान दिया। हरमैन होटल के पास एक नई मस्जिद की तामीर हुई है जिसका आज इफ्तिताही तकरीब थी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट ने मस्जिद का इफ्तिताह किया। आज जोहर की नमाज से इस मस्जिद का इबादतों का आगाज़ किया गया। मौलाना हाफिज़ वक़ारी अब्दुल अली सिद्दीकी साहब की इमामत में नमाज जोहर अदा की गई और उसके बाद दुआ की गई और ये मस्जिद तामीर करने वाले सादिक सिराज साहब जो इस मस्जिद को तामीर किए हैं उनके वालिद हफीज़ साहब भी इसमें मौजूद थे और मजलिसी कारपोरेटर सुजुर मोतमदीन महिबान मजलिस की कसीर तादाद खुसूसन मुसलियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थी। यह तीन मंजिला मस्जिद है जिसमें सीढ़ियों के अलावा लिफ्ट की भी सहूलत है, लेकिन पहली मंजिल पर मस्जिद है जहाँ पर वाजमात नमाज अदा की गई। पहली नमाज में जोहर की नमाज में आज मुसलियों से तंगदामानी का शिकवा कर रही थी मस्जिद। इंशाल्लाह पंच वक्ता नमाज में भी अगर यही रफ्तार रही